हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मानधाता, तुम स्वयं ही चलकर मृत्यु के द्वार पर आ गए हो। नहीं लवणासुर, मृत्यु तुम्हारे द्वार पर आई है। तुम अकेले आए हो, इसलिए हम तुमसे अकेले ही युद्ध करेंगे। हाथी के सामने एक चीटी हो या 10,000, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। लवणासुर हर राह चलते के साथ युद्ध नहीं करता। बालक, पहले अपना परिचय तो दो। मैं अयोध्या के परम प्रतापी स्वर्गीय महाराज दशरथ का पुत्र शत्रुघ्न तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। राक्षस कुल गौरव मधुरा नरेश महाराजा धीराज लवणासुर पधारते हैं। मधुरेश्वर समरेश्वर वीरेश्वर जयति लवणासुर। बंदीजनों को उपस्थित किया जाए। इनका दोष क्या है? महाराज, हमें सूचना मिली थी कि राज्य की पूर्वी सीमा पर कुछ ऋषि लोग एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, सो हमारे सैनिकों ने वहां जाकर यज्ञ को विध्वंस कर डाला और इन सबको बंदी बनाकर दरबार में ले आए, जिससे आप इन्हें उचित दंड दे सके। क्या तुम्हें ये ज्ञान नहीं था? हमारे राज्य में वैदिक पूजा का निषेध है। यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं से शक्तियां प्राप्त करना और उन शक्तियों का संग्रह करना सबसे बड़ा पाप है हमारे राज्य में। क्या तुम्हें ये ज्ञान नहीं था? फिर ये पाप करने का साहस कैसे किया तुमने? कैसे? पाप हमने नहीं किया, पाप तुम कर रहे हो राजन, हमारे धर्म के मार्ग में बाधा डालकर। हर प्राणी को अपने अपने धर्म और अपने विश्वास के अनुसार पूजा साधना और भक्ति का अधिकार है।
उसी प्रकार हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए यज्ञ आदि द्वारा साधना करते हैं, जिनसे हम आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करते हैं और जिनकी सहायता से हम भगवान के दर्शन कर पाते हैं। किस भगवान के दर्शन करना चाहते हो? इस राज के अंदर एक ही भगवान रहता है और वो है लवणासुर। हमारे राज्य में दूसरे किसी भगवान की पूजा नहीं हो सकती, नहीं। महाराज लवणासुर, ऐसा लगता है तुम्हारा काल तुम्हारे सर चढ़ कर बोल रहा है, क्योंकि जब प्राणी का अहंकार इस सीमा तक पहुंच जाता है वो अपने आप को भगवान मानने लगता है, वही उसका अंत समय होता है। ले जाओ इसे, उल्टा लटका कर जीते जी इसकी खाल उतार दो, ले जाओ। ठहरो लवणासुर, तुम्हारे इन सैनिकों के हाथों मरना हमें स्वीकार नहीं। हमारे पास अपने प्रभु के श्री चरणों में जाने के लिए योग रचित बड़े सुंदर मार्ग भी है, हम उसी मार्ग से अपने प्रभु के श्री चरणों में अपने को समर्पित करते हैं। परंतु तुम्हें ये चेतावनी भी देते हैं कि अब तुम्हारे इस पापमय जीवन का अंत आ गया है। को कारागार में डाल दो, ले जाओ। महाराज की जय हो। महाराज, यमुना तट पर निवास करने वाले कुछ ऋषि राजद्वार पर पधारे हैं। उनके अगवा महर्षि भार्गव के पुत्र महामुनि चवन ने प्रार्थना की है कि उन्हें आपके दर्शनों की आज्ञा प्रदान की जाए। लक्ष्मण जी, तुम स्वयं जाकर महर्षि चवन और उनके साथियों का स्वागत करो और पूर्ण अतिथि सत्कार के साथ उन्हें यहां ले आओ। जो आज्ञा। मैं दशरथ पुत्र लक्ष्मण महाराज राम की ओर से अयोध्या में आपका स्वागत करता हूं। हमारा आतिथ्य स्वीकार करने की कृपा करें, पधारिए।
मैं दशरथ पुत्र राम महर्षि च्यवन के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण हो राजन। ऋषि आस भरे विश्वास भरे रघुनाथ की ओर निहारत है, जिनको चरणामृत पान करे जग सो ऋषि चरण पखारत है, जिनको चरणामृत पान करे जग सो ऋषि चरण पखारत है। महर्षियों, किस कार्यवश आपका अयोध्या में शुभागमन हुआ है ये बताने की कृपा करें। मेरे करने योग्य कोई भी सेवा हो वो भी कहिए, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। मेरा सारा राज्य, मेरे हृदय कमल पर विराजमान जीवात्मा, मेरी सारी संपत्ति और वैभव मैं आपकी सेवा के लिए अर्पण कर सकता हूं, यह विश्वास रखते हुए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी हर आज्ञा पूरी करूंगा। नरश्रेष्ठ, इस भूमंडल पर ऐसी बातें आपके ही योग्य हैं, दूसरे किसी के मुख से ऐसे वचन नहीं निकल सकते राजन। इससे पहले हम बहुत से महाबली राजाओं के पास सहायता के लिए गए हैं, परंतु हमारे कार्य के गौरव को समझकर किसी ने भी हमारी सहायता का वचन नहीं दिया, परंतु आपने हमारे मनोरथ को जाने बिना ही हमारा काम करने की प्रतिज्ञा कर डाली, इसलिए अब हमें संशय नहीं रहा कि आप ही हम ऋषियों की इस महान संकट से रक्षा कर सकेंगे। अवश्य, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम उस संकट का मूल नाश कर देंगे। आप निर्भय होकर हमें अपने संकट का कारण बताइए। हमारे संकट का मूल कारण है मधु दैत्य का पुत्र लवणासुर, जो इस समय मधुरा का राजा है। वो भयानक दैत्य प्रतिदिन बहुत से ऋषि मुनियों को खा जाता है, जिसके कारण यमुना तट पर तपस्या करने वाले ऋषियों की बस्तियां उजड़ गई हैं। उसके भय से पीड़ित हुए ऋषि अनेक राजाओं के पास जाकर अभय की भिक्षा मांग चुके हैं, परंतु अब तक हमें कोई रक्षक नहीं मिला। उसके पास भगवान शिव जी का दिया हुआ जो त्रिशूल है, सभी उससे डरते हैं, क्योंकि भगवान का वरदान है कि जो शत्रु उस त्रिशूल के सामने आएगा वो उसी समय भस्म हो जाएगा। भगवान शिव ने उसे वो त्रिशूल क्यों दिया? देवाधिदेव ने ये त्रिशूल उसे नहीं, उसके पिता को प्रदान किया था। उसका पिता मधु नाम का दैत्य है, दैत्य वंश का होते हुए भी वो देवताओं का मित्र, ब्राह्मण भक्त और शरणागत वत्सल था। उसने भगवान शिव की बड़ी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने अपने त्रिशूल में से एक और चमचमाता हुआ शक्तिशाली त्रिशूल प्रकट करके उसे प्रदान किया और कहा, मैं अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें यह उत्तम आयुध प्रदान करता हूं। जब तक यह शूल तुम्हारे हाथ में रहेगा, शत्रु का कोई अस्त्र या शस्त्र तुमको स्पर्श भी नहीं कर सकेगा, और इसके द्वारा प्रहार करने पर यह त्रिशूल शत्रु को तत्काल भस्म करके पुनः तुम्हारे हाथ में लौट आएगा।
मेरे पश्चात ये त्रिशूल सदा के लिए मेरे वंशजों के पास भी इसी प्रकार रहे। सदा के लिए तुम्हारे वंश में नहीं रह सकता, परंतु तुम्हारी प्रार्थना पर हम इतना वरदान देते हैं कि तुम्हारे अतिरिक्त ये केवल तुम्हारे एक पुत्र के पास रहेगा। तत्पश्चात मधुदैत्य ने मथुरा में अपना राज्य स्थापित किया। उसका पुत्र लवण बड़े भयंकर स्वभाव वाला निकला और दुष्ट प्रकृति का। ऐसे महापापी पुत्र को प्राप्त करके मधुदैत्य अत्यंत दुखी हुआ और अंत में वो अपना राज्य छोड़कर स्वयं समुद्र में रहने के लिए चला गया। तब से मथुरा पर लवणासुर का राज्य है। उसके अत्याचारों से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, परंतु उस दिव्य त्रिशूल के भय से कोई उससे टक्कर लेने का साहस नहीं करता। इसलिए हे राम, हम आपकी शरण में आए हैं, परंतु हम ये भी कहते हैं कि वचन देने से पहले ये सोच लें कि लवणासुर से टक्कर लेना अपने प्राणों को दांव पर लगाना है। रघुवंशी शरणागत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी संकोच नहीं करते ऋषिवर, अब आप निश्चिंत हो जाइए। हमें केवल यह देखना है कि रघुवंश के राजकुमारों में से कौन यह बीड़ा उठाता है, कौन अपने प्राण दांव पर लगाता है। महाराज, आप जिसकी ओर भी संकेत करें वही आपकी आज्ञा पालन को अपना सौभाग्य समझेगा। महाराज, निर्णय लेने से पहले मेरी एक प्रार्थना अवश्य सुन लें। कहो। आज तक मुझे आपकी सेवा का कोई अवसर नहीं मिला। लक्ष्मण भैया ने 14 वर्ष आपके साथ वनवास काटा और भरत भैया ने अयोध्या में रहते हुए भी वैसे ही वनवास के कष्ट सहे, उसी प्रकार फल मूल खा के रहे जैसे वो आपके पास वन में ही हो। मुझे छोटा समझकर कभी कोई सेवा नहीं दी गई, परंतु अब यदि मेरे होते बड़े भाइयों को उस दैत्य से लड़ने भेजा गया तो ये मेरे साथ अन्याय होगा। अब के युद्ध में जाने की मेरी बारी है। हम बड़े भाइयों के होते हुए तुम्हें उस राक्षस से युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? सुना नहीं वहां प्राणों का संकट है? महाराज, मैं ही उस राक्षस से निपट लूंगा। नहीं महाराज, मैंने पहले मांग की है। मुझे अवसर न दिया गया तो ऐसा लगेगा कि महाराज को मेरी वीरता पर संदेह है। मृत्यु का भय दिखाकर मेरा अपमान न करो भैया। महाराज राम, भरत और लक्ष्मण का छोटा भाई लवणासुर तो क्या स्वयं काल से भी नहीं डर सकता। महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। हम राजकुमार शत्रुघ्न से सहमत हैं। हम तुम्हें मथुरा के राजा लवणासुर के अत्याचारों से धरती को मुक्त करने का कार्य सौंपते हैं। आर्य सुमंत्र, सेना को तैयारी की आज्ञा दी जाए। जो आज्ञा। हम आज इसी समय राजकुमार शत्रुघ्न को मथुरा का राजा घोषित करते हैं। उनके राज्याभिषेक की भी तैयारी की जाए। राज्याभिषेक? हाँ, अयोध्या से कूच करने से पहले हम तुम्हें मथुरा का राजा बनाकर तुम्हारा अभिषेक स्वयं कर दें, जैसे हमने विभीषण का अभिषेक पहले ही कर दिया था। महाराज, इस अभिषेक को स्वीकार करने में मुझे अधर्म जान पड़ता है। बड़े भाइयों के होते हुए छोटे का अभिषेक कैसे किया जा सकता है? बड़े भैया भरत की बात को काटकर मैं बीच में बोल पड़ा, कदाचित आप इसके लिए मुझे दंड तो नहीं दे रहे?
मेरी भूल क्षमा कर दे भैया, क्षमा कर दे। नहीं शत्रुघ्न, तुमने कोई भूल नहीं की। प्राणों के संकट की बात जब सामने आई तो तुमने वही वीरता दिखाई जो रघुवंश के एक राजकुमार को दिखानी चाहिए। हमने जो अभिषेक की बात की वो शास्त्रानुसार आवश्यक है। जब कोई किसी राजा के वंश का समूल नाश कर देता है तो उसकी राजधानी में दूसरे राजा को स्थापित करना उसका धर्म हो जाता है, अन्यथा वो राज्य, वो देश अरक्षित और अव्यवस्थित हो जाता है, उस देश में अराजकता फैल जाती है। लवण का कोई वंशज होता तो हम उसे राजा बनाते, परंतु लवण के पश्चात उस वंश में कोई नहीं बचेगा। इसलिए जब तुम लवणासुर का अंत कर दोगे, जिसका हमें पूर्ण विश्वास है, तब मथुरा को एक राजा की आवश्यकता होगी। इसलिए वो राज्य अब तुम्ही को संभालना पड़ेगा। बहुत काल हुआ अयोध्या में सूर्यवंश के ही आपके एक महान पूर्वज राजा मानधाता राज करते थे। उन परमवीर और महातेजस्वी राजा ने अपने पराक्रम और शूरवीरता से समस्त लोगों पर विजय पाली थी। अंत में अपनी अपार कीर्ति और यश बढ़ाने के लोभ में राजा मानधाता ने देवताओं के राजा इंद्र पर आक्रमण करने का निश्चय किया, जिससे वो स्वर्ग तक अपने राज्य का विस्तार कर ले। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो वो मन में घबराया और देवताओं के गुरु बृहस्पति की शरण में गया और कहने लगा, गुरुदेव गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए, गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। एक मानव स्वर्ग पर अधिकार करके इंद्र का पद ग्रहण करना चाहता है। उससे युद्ध करने के लिए मैंने देवताओं की सेना तैयार करवा ली है। आप हमें विजय का आशीर्वाद दीजिए। देवराज इंद्र, आप जिस मानव से युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं वो कोई साधारण मानव नहीं है, एक महाप्रतापी शूरवीर है। हमारे विचार में उसे अस्त्र शस्त्रों से पराजित करना दुष्कर हो सकता है। आप नहीं जानते कि इन रघुकुल वंशियों में सूर्य का अंश है। फिर इन्होंने सदा ऋषि मुनियों की सेवा करके उनके विज्ञान का भी पूरा लाभ उठाया है। इनके पास अस्त्र ज्ञान भी उत्तम कोटि का है, इसलिए उनसे लड़ना बुद्धिमानी नहीं। फिर युद्ध से नहीं, उसे बुद्धि से हराया जाए तो अच्छा हो। वीरो, आज सारे संसार में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारी वीरता के सामने सर उठाने का साहस कर सके। तुम्हारे आक्रमण के वेग को सहना देवताओं के लिए भी संभव नहीं, इसलिए हमने आज इंद्र पर धावा बोलकर तुम सबको स्वर्ग का अधिपति बनाने का निश्चय कर लिया है। मानधाता, मानव को इतना अभिमान शोभा नहीं देता। इंद्र, यह अभिमान की बात नहीं, यह एक वीर के अधिकार की बात है। आज हमारी वीरता के सन्मुख संसार के सभी राजा नतमस्तक हो गए हैं। हमसे युद्ध करने वाला कोई नहीं रहा, इसलिए अपनी वीरता का प्रदर्शन करने के लिए हमें अधिकार है कि अब धरती से आगे निकलकर हम स्वर्ग पर अपनी विजय पताका फहराएं। इसलिए हम तुमसे युद्ध की मांग करते हैं। मानधाता, ये तुम्हारा भ्रम है।
कि तुमने इस धरती के समस्त राजाओं पर विजय पा ली है। यह भ्रम नहीं, बताओ कौन है इस धरती पर जो हमारे अधीन नहीं है? लंकाधिपति महाराज रावण। रावण से हम युद्ध कर चुके हैं। 7 दिन के भयंकर युद्ध के पश्चात भी हम उसे इसलिए नहीं मार सके क्योंकि उसे ब्रह्मा का वरदान था और स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर हमें युद्ध बंद करने का आदेश दिया था। सो रावण को तुम अपराजित मत समझो। और कोई है इस धरती पर? हाँ है। कौन? लवणासुर। लवणासुर कौन? रावण की बहन कुंभीनसी और मधुदैत्य का पुत्र राक्षस राज लवणासुर जो मधुरा में राज्य करता है। लवणासुर सेनापति, क्या लवणासुर अभी बाकी है? जी अन्नदाता, लवणासुर अभी तक बाकी है। तो ठीक है, हम आज इंद्र की जगह लवणासुर पर चढ़ाई करते हैं। परंतु देवराज इंद्र, याद रखना, लवणासुर को समाप्त करने के पश्चात मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपनी तैयारी करके रखना। तुम्हारा ये अभिमान ही तुम्हें ले डूबेगा मानव। सेना नायक, इसी समय लवणासुर पर चढ़ाई करने के लिए कूच का डंका बजा दिया जाए। क्या कहा? अयोध्या का राजा मानधाता लवणासुर का नाश करने आया है बहुत बड़ी सेना लेकर। जी महाराज, सूचना मिलते ही नगर के द्वार बंद कर दिए गए हैं और सेनापति ने सेना को सुसज्जित होने का आदेश देकर मुझे यह सूचना देने के लिए आपकी सेवा में भेजा है। सेना? सेना की क्या आवश्यकता है? जब तक भगवान शिव का त्रिशूल हमारे पास है, हम अकेले ही जाएंगे। नाथ, फिर भी सेना साथ हो तो अच्छा होगा। रानी, ये शंका की निशानी है। जो भी काम करो, शंकाहीन होकर पूर्ण विश्वास से करो, तभी जय होती है। जय भोलेनाथ। नगर के द्वार तोड़ दो। ठहरो। तुम स्वयं ही चलकर मृत्यु के द्वार पर आ गए हो। नहीं लवणासुर, मृत्यु तुम्हारे द्वार पर आई है। तुम अकेले आए हो, इसलिए हम तुमसे अकेले ही युद्ध करेंगे। हाथी के सामने एक चींटी हो या 10,000, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जिसे ना मरना हो या मरने से भय हो, उसे मैं 5 क्षण का समय देता हूं, वो एक और आ जाए। लवणासुर, तुम मायावी हो, माया रचने के लिए समय चाहते हो, किंतु मैं तुम्हें समय नहीं दूंगा। आ!
इतनी प्रचंड शक्ति है उस दिव्य त्रिशूल में, इसलिए जब वो त्रिशूल उसके पास हो उस समय उसे मारना असंभव है। एक ही उपाय है कि आप उसे उस समय युद्ध के लिए ललकारो जब वो त्रिशूल उसके पास ना हो और ना ही वो अपने महल तक पहुंच सकता हो। वो नित्य प्रातः है उस त्रिशूल की पूजा करता है, तत्पश्चात वो नगर से बाहर निकलकर आहार के लिए तपस्वियों और जानवरों को चारों ओर ढूंढता है। उस समय वो त्रिशूल साथ नहीं ले जाता, इसलिए वही एक समय है जब आपको अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर नगर द्वार के बाहर उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस बात को याद रखिएगा कि वो किसी भी प्रकार वापस अपने महल में त्रिशूल लेने ना जा सके। तब आप दोनों के बल और पराक्रम की परीक्षा हो सकेगी। राक्षस सेना भी आप पर आक्रमण कर सकती है। उसके लिए आपकी सेना को भी नदी के उस पार चले जाना चाहिए, परंतु इस प्रकार कि शत्रु को सेना के आने की आहट भी ना हो, अन्यथा वो अपने त्रिशूल के बिना बाहर नहीं निकलेगा। और आप सबकी वही अवस्था हो सकती है जो राजा मानधाता की हुई। इसलिए आपकी सेना को चुपचाप रात के अंधेरे में ही उस पार पहुंच जाना चाहिए। Thank you.
जय शंभु त्रिशूलम मम अनुकूलम नष्ट समूलम अरिकर्ता जय अभयम दाता विघ्नम घाता भाग्य विधाता अघहरता तुम जिस कर साजो जहां विराजो संकट निकट न पग धरता लवणासुर ध्यावे तब जस गावे सदा रहे तुम निर्भरता सदा रहे तुम निर्भरता जय त्रिपुरारी प्रिय सक्षम सक्रिय जागृत प्रस्तुत शस्त्रमणि अगणित गुण मंडित कब हु न खंडित हो इतिहारी शक्ति घणी अविलंब अमोघ प्रहार तिहारा अरिमद मर्दन तात क्षणि लवणासुर कुल सह पाय अनुग्रह उपकृत धन्य कृतार्थ ऋणी उपकृत धन्य कृतार्थ ऋणी वरदान स्वरूपम आयुध भूपम दिव्य अनुपम तेज भरे तुम हे रण नायक जाहि सहायक सो निर्भय रण सिंधु तरे तुम चिंतन मात्रे सुमिरन मात्रे क्षण मात्रे सब काज सरे ममतात पुण्य फल प्राप्त महानिधि लवणासुर शत नमन करे लवणासुर शत नमन करे लवणासुर शत नमन करे मैंने सुना है कल राज दरबार में एक ऋषि ने आपको श्राप दिया है तो क्या हुआ कुत्तों के भौंकने से भैंसे नहीं मरती ऐसे कई साधु हमें श्राप देते हैं उनसे डर के हम उनका शिकार करना तो नहीं छोड़ सकते परंतु न जाने क्यों आज मेरे मन को उस ऋषि के श्राप से बहुत डर लग रहा है और इस समय मेरे दाएं अंग भी फड़क रहे हैं जो अपशगुन के सूचक हैं। रानी तुम्हारी ये निर्बलता हमें अच्छी नहीं लगी स्वयं लवणासुर की पत्नी इन साधुओं से डरने लगी तो फिर राक्षस जाति के साम्राज्य का अंत हो जाएगा रानी तुम नहीं जानती ये ऋषि मुनि ही आर्यों की वास्तविक मूल शक्ति हैं। ये बड़े बड़े यज्ञों और वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान करके ऐसी शक्तियां प्राप्त करते हैं जिनसे वो हमारी मायावी शक्तियों को परास्त कर सके हमारे मामा महाराज रावण का कहना था यदि ऋषि मुनियों का समूल नाश कर दिया जाए तो पृथ्वी पर केवल राक्षसों का राज रह जाएगा आर्य भाग जाएंगे इसीलिए हमने नियम बना रखा है कि प्रातः सर्वप्रथम उसी स्थान पर जाते हैं जहां हमारे राज में साधु लोग कोई यज्ञादि कर रहे हों और उनका अनुष्ठान पूर्ण होने से पहले उसका विध्वंस कर देते हैं रानी इसीलिए मथुरा में राक्षसों का राज अटल है और अटल रहेगा
तुम जिसे अपने प्राणों का बोझ नहीं रहा। लवणासुर, मैं तुम्हारे साथ युद्ध की इच्छा से आया हूं। यदि वीर हो तो मुझे युद्ध प्रदान करो। लवणासुर हर राह चलते के साथ युद्ध नहीं करता। बालक, पहले अपना परिचय तो दो। मैं अयोध्या के परम प्रतापी स्वर्गीय महाराज दशरथ का पुत्र शत्रुघ्न तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। ओहो, अयोध्या से आए हो? अच्छी बात, हम स्वीकार करते हैं। हमारी प्रतीक्षा करो, हम राजमहल में पूजा से निपटकर अभी आते हैं। वीरों का पूजा स्थान रणभूमि में ही होता है। मरने से पहले भगवान को याद करना चाहते हो तो यही कर लो, हम अपनी देव प्रतीक्षा कर लेंगे। शत्रु की ललकार सुनकर भागने का बहाना ढूंढने वालों को वीर नहीं कायर कहते हैं। हम भाग नहीं रहे, अपने अस्त्र लाने जा रहे हैं। तुम्हारे पास अस्त्र भी हैं और शस्त्र भी हैं। अपना धनुष संभालो, हम तुम्हें पहला वार करने की छूट देते हैं। ठीक है। संभालो अपने आप को।
Yeah.